नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आशीष प्रताप RVL में। और इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे सीटेट परीक्षा विशेष के बारे में, जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और हम लोग एक नए तरीके से शुरू कर रहे हैं पर्यावरण का, जो भी NCERT की बुक्स हैं पर्यावरण की, क्लास 3, 4, 5 और फिर उसके बाद 7 में आती है इन्वायरमेंट की बुक, जिसको आप लोग शॉर्ट में EVS भी बोलते हैं। तो इन किताबों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इनका जो सारांश है। पहली चीज़ तो ये है, NCERT बुक्स के सभी पाठों का सारांश हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा पॉइंट, आप लोग पढ़ सकते होंगे पिछले वर्षों में सीटेट में पूछे गए प्रश्नों के अध्याय वार हल हम लोग करेंगे, यानी कि इन किताबों से जितने भी क्वेश्चंस पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उनके जो भी हल होंगे उनके बारे में हम लोग उसी चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरी जो बात है, अगर आप सीटेट में अधिकांश अंक हासिल करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा EVS की। और इसके बाद हम लोग साइकोलॉजी फिर से इसी तरीके से शुरू करेंगे, और उसमें मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या फिर आने की संभावनाएं हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे उसमें भी। और नेक्स्ट है इस भाग में जो अभी शुरू हो रहा है, ये कक्षा 3 की पर्यावरण की NCERT का सारांश है, तो 5-5, 10-10 चैप्टर करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये आपकी NCERT की बुक है क्लास 3 की, जिसका ये फ्रंट पेज है। और आइए अब इसके अगले भागों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये है NCERT क्लास 3 का पाठ्यक्रम। टोटल इसमें 24 पार्ट हैं, जिनमें पाठों के नाम आप लोग देख सकते हैं। पहला पाठ है डाल डाल पर ताल ताल पर, दूसरा है फिर पौधों की परी पानी रे पानी, हमारा पहला स्कूल। पार्ट 5 है छोटू का घर, पार्ट 6 है खाना अपना अपना। 7वें पार्ट का नाम है बिन बोले बात, 8वें पार्ट का नाम है पंख फैलाए उड़ते जाएं, 9वां पार्ट है बादल आए बारिश लाए, 10वां पार्ट है पकाएं खाएं, 11वां पार्ट है यहाँ से वहाँ, फिर 12वां है काम अपने अपने। इस तरीके से ये टोटल 24 पार्ट हैं। और अगर आपको अक्षर देखने में थोड़ा सा छोटे लग रहे हों तो आप इसको फुल स्क्रीन में करके देखेंगे या लैपटॉप में देखेंगे तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, आपको अक्षर अच्छे खासे बड़े दिखाई पड़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे भी देखने में दिक्कत ना हो, लेकिन अभी फ़िलहाल आप फुल स्क्रीन में करके देखिए तो ज़्यादा बेटर है। तो आइए डिस्कस करते हैं पहला पाठ, जिसका नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। तो ये है पाठ नंबर 1 कक्षा 3 की किताब से EVS की। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हाँ कक्षा 4 और कक्षा 5, क्लास 4 और क्लास 5, इन किताबों से मैक्सिमम क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं हर साल में। जब हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे तो मैं आपको बताता चलूँगा कहाँ से कितने क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन जोड़कर पूछे गए हैं। फ़िलहाल यहाँ पे बात करते हैं पहले पार्ट की, जो कक्षा 3 की NCERT की बुक है EVS की। तो ये जो पहला पार्ट है इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी लड़की की कहानी है जिसका नाम पूनम है। और इस पाठ में तरह तरह के जानवरों के बारे में, जैसे पूंछ वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले, ज़मीन पर रहने वाले, पानी में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, पानी और ज़मीन दोनों जगह रहने वाले, इस तरह के जानवरों के बारे में बताया गया है। और अनेक गतिविधियां जानवरों से संबंधित इसमें कराई गई हैं। तो बस इसमें जानने लायक ये है कि जो जीव जंतु हमारे जल में रहते हैं उनको जलचर कहा जाता है, जो ज़मीन पर रहते हैं उनको थलचर कहा जाता है, और जो आकाश में उड़ने वाले होते हैं उनको नभचर कहा जाता है, और पानी और ज़मीन जो दोनों जगहों पे रहते हैं, यानी दोनों जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, तो उनको उभयचर कहा जाता है। और जलचर में केवल आप मछली कह सकते हैं कि वो ज़मीन पे तो रह नहीं सकती, और थलचर में आपके जो भी गाय भैंस ये सारे जीव जंतु हैं ये थलचर हैं, इंसान है। और इसके अलावा नभचर में जो बहुत पक्षी हैं हमारे, बाज, चील, ये सब नभचर में आते हैं। तो
ये है आपके पहले पार्ट की बारे में सारांश। हम लोग डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम पूरे पार्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ से केवल जो भी सारांश जैसा मैंने बोला है तो उसी पर हम लोग फोकस करेंगे कि 3 से 4 पॉइंट या फिर 8 से 9 पॉइंट में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आपको पूरी किताब पढ़नी ना पड़े। एक आप इस पार्ट का लुक देख लीजिए, ये है आपका पहला पार्ट जो एनसीईआरटी की बुक है, डाल डाल पर ताल ताल पर कुछ ऐसा है। और इसमें अगर आप फुल स्क्रीन करके पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत कहानी भी आपकी समझ में आ जाएगी। इसमें माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। तो ये पूनम बोलती है, तो माँ का जवाब आता है, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। तो चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई, अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा, वह हड़बड़ा कर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया, ओफ, यह किसकी शरारत है, कबूतर की या कौवे की? तो कोई पक्षी उस पर बीट कर देता है, फिर वो उसको धुलने के लिए तालाब पर जाती है। तो तालाब पर वो तरह तरह के जानवरों को देखती है, कुछ जो जल में रहते हैं, कुछ जो थल में रहते हैं, कुछ जो दोनों जगहों पर रहते हैं। तो ये हो गया आपका पाठ। इसके बाद अगले जो कुछ क्रियाकलाप हैं वो इस तरह के आप देख सकते हैं। कुछ इसमें पहेलियाँ बुझाई गई हैं और इस कॉलम रोज़ में से उन चीज़ों को आपको ढूँढना है इन पहेलियों को पढ़ के। तो बस इसमें इतना ही है क्रियाकलापों के संबंध में। तो ये आपका हो गया पहला पार्ट। हम लोग अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पे, जिसका नाम है पौधों की परी। तो पौधों की परी पाठ के बारे में डिस्कस करने से पहले अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इस पाठ को। कि इस पाठ में लिखा है, रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए, वहाँ सब ने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली, बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ, हमने पिछले कैंप में इसे खेला था, मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। तो इस चैप्टर में भी कुछ उस तरह का खास नहीं है जिसमें क्वेश्चन बन सके। हाँ, इसके लास्ट में जो एक्सरसाइज दी गई है, जैसे ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी बुजुर्ग से पता करो, क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उस समय होते थे जब वे छोटे थे लेकिन अब ये दिखाई नहीं देते हैं। तो विलुप्त पौधों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है और ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं। एक जो पौधे विलुप्त हो चुके हैं इनके नाम आप देख सकते हैं। पहला है अरुणाचल होपिया ट्री, ये विलुप्त हो चुका है। ये सभी 1970 से लेकर 2000 के बीच में विलुप्त हो चुके हैं, जिनका अब अस्तित्व तो नहीं है। और ये दूसरा है श्रीलंका लीजम ट्री, और ये तीसरा है सेंट हेलेना ओलिव। तो ये तीन पौधे हैं, लिग्यूम, श्रीलंका लिग्यूम ट्री, अरुणाचल होपिया ट्री और सेंट हेलेना ओलिव। तो ये जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या विलुप्त हो चुके हैं वो सारे पौधे हैं। ये कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं और बाकी इस चैप्टर में भी कुछ खास नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सके। फिर अगला चैप्टर जो है तीसरा, वो केवल एक कविता है, पानी रे पानी। तो इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना कुछ भी नहीं है, बस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फुल स्क्रीन करके इस कविता को पढ़ सकते हैं। मैंने डाल इसलिए दिया कि आपको कम से कम पता रहे कि इस चैप्टर में था क्या। पिछली बार जो मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने केवल वही वही चीज़ें वही वही चैप्टर इंक्लूड किए थे जिनमें से क्वेश्चन बने थे। तो इस वजह से इस बार मैंने सोचा कि कम से कम आपको हर चैप्टर से परिचित करा दूं कि चैप्टर में है क्या। बाकी वहां से हम लोग थोड़ा सा स्पीड में स्किप कर देंगे चैप्टर को अगर काम का नहीं है तो। तो ये इस चैप्टर में जो था पानी रे पानी, इसमें एक क्वेश्चन लास्ट में दिया गया था जो मुझे थोड़ा सा सही लगा और
थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, इनमें से जो अलग हो उन पर गोला लगाना है और बताओ क्यों अलग है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, अलग कौन सा है वो बताना रहता है। तो जैसे पहला है नदी, पहाड़, तालाब, नल और सोता। तो इसमें से पहाड़ अलग है, आप सभी को पता है, बाकी हर जगह पानी होता है और पहाड़ ऐसे ही होता है, बाकी सारी चीज़ें पानी के सोर्सेज हैं, जबकि पहाड़ ऐसा नहीं है। तो एक ये है, दूसरा नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी, आटा गूंथना। तो यहाँ भी कंघी करना ये पानी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही था पानी रे पानी। तो हो सकता है मेरे हिसाब से इसमें जो पानी से रिलेटेड हैं वो एक तरह के हैं और जो उनसे अलग है उसी पर हमें गोला लगाना है। तीसरा क्वेश्चन है मछली, बत्तख, बंदर, मगरमच्छ और कछुआ। तो यहाँ पर बंदर अलग हो जाएगा, क्योंकि बंदर का पानी से कोई रिलेशन नहीं होता। मछली, बत्तख, मगरमच्छ, कछुआ ये सब पानी में रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल। तो ये सब यातायात के साधन हैं, इनमें से नाव पानी से संबंधित है, बाकी चार जो हैं वो रोड पर चलते हैं या ट्रैक पर चलते हैं, तो इसमें से नाव अलग हो जाएगा। तो ये था आपका थर्ड चैप्टर। अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ चैप्टर पे। हमारा पहला स्कूल, जो इसमें से थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो पहली ही तीन चार लाइनों में है, बाकी इस चैप्टर में भी कुछ खास है नहीं। क्या लिखा है, स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते हैं और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। तो यहाँ पे पहले स्कूल के बारे में बताया गया है कि हमारा जो पहला स्कूल होता है वो हमारा परिवार होता है, और यहाँ पे एक परिवार की फ़ोटो भी आप देख सकते हैं लगी हुई है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पांचवें चैप्टर पे। अब परिवार वाले चैप्टर में और कुछ भी नहीं था। जब हम लोग आगे की क्लास में बढ़ेंगे फोर्थ और फिफ्थ में, तो वहाँ पे परिवार को वर्गीकृत करके भी दिखाया गया है कि दो तरह के परिवार दिखाए गए हैं, एकाकी परिवार और मिश्रित परिवार या सम्मिलित परिवार, इस तरीके से। तो वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी उतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये है पाँचवा चैप्टर, जिसका नाम है छोटू का घर। तो छोटू का घर एक ये स्टोरी है, पूरा केवल पिक्चर के माध्यम से बताई गई है कि छोटू पहली बार मुंबई जाता है, वहाँ पे देखता है बारिश हो रही है, कहीं पे उसको ठिकाना नहीं मिलता है। ये सब इसमें कुछ लिखा नहीं है, बस आपको इस कहानी को बनाना है कि इस कहानी में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पाइप रखी हुई है और इसको जब कुछ नहीं समझ में आता है तो ये इस पाइप में अपना ठिकाना बना लेता है। ये मैं अपने हिसाब से अपने स्टोरी बना रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी और बेहतर समझ में आए वो स्टोरी बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है बनने का, बस आपकी जानकारी के लिए है। और यहीं पे ये अपना खाने पीने का भी इंतज़ाम करता है, चूल्हा वूल्हा जला के। फिर इसका कोई एक दोस्त आता है, उसको भी अपने ही शेल्टर में ये रखता है। और उसके बाद ये घर प्यारा करके एक कविता है, सदा नहीं तो कहती हो माँ घर पर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूँ घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। तो ये है एक पोयम, और इससे भी कोई क्वेश्चन उस तरह का बनेगा नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये आपका पहला भाग जो है वो इतना अच्छे से तैयार हो गया होगा। यहाँ से खैर उतने अच्छे क्वेश्चन नहीं बनने हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ थर्ड क्लास की एनसीईआरटी से, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के लिए कि हाँ मैंने हर चैप्टर के बारे में पढ़ा है और हर चैप्टर के बारे में क्या है वो मुझे पता है। क्योंकि दिमाग में कभी कभी ये रहता है कि जो चैप्टर आप नहीं देखते हैं या नहीं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता रहता है कि
मैंने पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, कुछ छूटा हुआ है, पता नहीं कौन सा चैप्टर छूट गया है। इसलिए सारांश का मतलब ही यही है कि मैं हर चैप्टर के बारे में बस 1 मिनट या 2 मिनट में आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दूं कि किस चैप्टर में क्या है। बाकी जहां से क्वेश्चन बनेंगे वहां पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये भाग पसंद आया होगा, और जो भी ये जो मैंने नए तरीके से शुरुआत की है उसमें अगर आपको कोई कमी दिखाई पड़ती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले पार्ट में मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।